हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विजय। स्वागत है आपके इस चैनल न्यू गैजेट्स यूज में। यार आज हम बात करने वाले हैं सैमसंग के एक अपकमिंग मॉडल जो कि है ए सीरीज में, सैमसंग गैलेक्सी A90। सैमसंग की अगर बात करें, पिछले कुछ टाइम से काफी अच्छा काम कर रहा है अपनी गैलेक्सी ए सीरीज को लेके, जहां पर पूरा एक लाइनअप सा बना दिया है A10 से लेके A80 तक, और उसके बाद में जो है A90 भी जो है जल्दी लॉन्च करने वाला है इंडिया में। देख लेते हैं क्या क्या स्पेसिफिकेशन आपको जो है देखने को मिल जाएंगे, कितने का होगा और ये फोन जो है किसको बीट कर पाएगा, देखते हैं इस वीडियो में। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जो है जरूर से लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आपको जो है इसी तरीके की बहुत सारी वीडियोस आपको जो है देखने को मिलती रहेंगी। देखो यार, ऑफलाइन मार्केट में सैमसंग जो है काफी अच्छा काम कर रहा है अपनी ए सीरीज को लेके, जहां पर A80 जो है जुलाई के फर्स्ट वीक में आपको जो है देखने को मिल जाएगा ऑफलाइन मार्केट में, जहां पर A80 के अंदर चिपसेट यूज किया गया है वो है स्नैपड्रैगन 730। लेकिन अब जो है A90 की भी ऑलरेडी प्लानिंग हो चुकी है, जहां पर आपको पहला फोन मिल जाएगा सैमसंग का जो कि होगा 5G इनेबल फोन, जहां पर आपको मिलेगा सैमसंग गैलेक्सी A90 जो कि होगा स्नैपड्रैगन 855 चिपसेट के साथ में। तो बहुत सारे लीक्स अकॉर्डिंग जो है कंफर्म हो गया है कि यार यहां पर आपको स्नैपड्रैगन 855 और 5G वाला वेरिएंट भी आपको इंडिया में जो है जल्दी देखने को मिल जाएगा। और इसके अलावा जो स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं, तो वही आपको जो है डिजाइन ऑलमोस्ट सिमिलर सा डिजाइन जो है देखने को मिल जाएगा, जो कि होगा यार यहां पर 6.7 इंच का डिस्प्ले फुल व्यू के साथ में। आप यहां पर जो है डिजाइन देख ही सकते हैं, आपने जो है 80 का डिजाइन भी देखा है तो ऑलमोस्ट वैसा ही डिजाइन आपको जो है देखने को मिल जाएगा सैमसंग गैलेक्सी A90 में भी। बात करते हैं इसके कैमरा परफॉर्मेंस की, तो आपको यहां पर जो है मेन कैमरा देखने को मिलेगा जो कि है 48 मेगापिक्सल का कैमरा, और होगा अल्ट्रा वाइड के लिए जो कि होगा 13 मेगापिक्सल का, और थर्ड वाला कैमरा होगा जो कि है 8 मेगापिक्सल का। 8 मेगापिक्सल मुझे नहीं लगता जो कि लीक्स अकॉर्डिंग कंफर्म हुआ है वो होगा 3D डेप्थ सेंसिंग जो कि A80 में जो है हमें देखने को मिलता है, जो कि बैकग्राउंड को इफेक्ट देता है या और भी कुछ जो है काम करता है। तो यार मुझे लगता है कि यहां पर जो है अल्ट्रा वाइड जो होगा 13MP और 3D डेप्थ वाला होगा जो कि बैकग्राउंड इफेक्ट देने के लिए, और 48 मेगापिक्सल का जो है मेन कैमरा, मतलब जो A80 वाला कैमरा है वही सेम आपको जो है देखने को मिल सकता है A90 के अंदर। बात करते हैं फ्रंट कैमरे के, तो यार वही सेम होगा फ्रंट कैमरा, क्योंकि रोटेट होके वो आ जाएगा फ्रंट कैमरे के अंदर, जहां पर एक अच्छी सी इमेज जो है कैप्चर कर सकते हैं और अपनी और अपने फ्रेंड सर्कल की वाइड एंगल के साथ में। बात करते हैं इसकी फोन की सिक्योरिटी की, तो आपको मिल जाएगा ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर, मतलब ऑन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट, जो कि S10 के अंदर आपको मिल रहा है अल्ट्रासोनिक के साथ में। वैसा ही कुछ उम्मीद करते हैं फिंगरप्रिंट आपको जो है सैमसंग गैलेक्सी A90 में देखने को मिल जाएगा। यार देखो, एक यहां पर किलर फोन होने वाला है जो कि ए सीरीज का सबसे फ्लैगशिप फोन होगा। अगर प्राइस सेगमेंट की बात करता हूं, जो एक्सपेक्टेड प्राइस है ऑलमोस्ट 50,000 रुपीज है, मतलब यार ये यहां पर OnePlus 7 Pro की जगह आ रहा है। लेकिन यार OnePlus 7 Pro लॉन्च हो चुका है, उसको अभी A90 को लॉन्च होने में ऑलमोस्ट जो है 2 से 3 महीने जो है लग सकते हैं। तो यार यहां पर जो है उस टाइम OnePlus 7 Pro को किल करेगा तो कोई मतलब नहीं रहेगा। सैमसंग को जो है ये फोन जो है जल्दी लॉन्च करना चाहिए और प्राइस जो है इफेक्टिव रखनी चाहिए। और इसके अलावा बात करते हैं यहां पर हम वेरियंट की, तो आपको 8GB रैम वाला जो है वेरियंट देखने को मिल जाएगा, जो कि स्टोरेज हो सकता है 128 और 256 दोनों में से कोई भी। और साथ में बात करते हैं बैटरी की, तो आपको यहां पर जो है 3700mAh की बैटरी जो है देखने को मिल जाएगी। अब देखना यह है कि A80 की बैटरी कितनी चलती है, उस अकॉर्डिंग जो है A90 की बैटरी भी जो है हम अनुमान लगा सकते हैं। तो यार ये था आज के वीडियो में, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में, रिलेटिव्स में, और कमेंट कीजिएगा आपके क्या मानना है सैमसंग गैलेक्सी A90 के बारे में। क्या आप A80 का वेट कर रहे थे या फिर अब A90 का वेट करोगे या A80 लेना पसंद करोगे, कमेंट करके जरूर बता देना। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से करो सब्सक्राइब, आपको मिलेगा इस वीडियो के लाल कलर बटन जो कि सब्सक्राइब का दबा के कर देना, उसके साथ में जो है बेल आइकन पे क्लिक करना, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट देखने को मिल जाएंगे। तो इतना ही था आज की वीडियो में, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मिलते हैं ऐसे किसी अगले वीडियो में।